शुभ प्रभात सभी को। सुबह के बज रहे हैं 5:20 और एक अलग जर्नी, नई जर्नी आपके लिए। तो शूट ऑफिशियल से एक और व्लॉग अपलोड किया जा रहा है। तो आज हम जा रहे हैं मल्लिकार्जुन, मैं विद फैमिली जा रहा हूँ, शालू के मम्मी पापा और मैं और हमारा दोस्त शिवम। थोड़ा लेट हो गया आज, बट यस वी शुड बी हिटिंग द रोड एज सून एज पॉसिबल। 5:30 तक तो चल भी पड़ेंगे यहाँ से, सिंस वी आर वेरी नियर टू द एग्जिट वेयर वी नीड टू गो। उसकोटे टोल इज वेरी नियर टू अस, तो अपने को ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए शहर से बाहर निकलने के लिए। और उसके बाद अपन रोड हिट करेंगे। तो चलते हैं जल्दी से, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दीज गाइज टू कम, एज सून एज दे विल कम अपन स्टार्ट करते हैं। तो भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हैं और इस जर्नी का शुरू करते हैं। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। हर बार की तरह हमने स्टार्ट किया अपना रोड ट्रिप बैंगलोर से, जो कि 533 किलोमीटर है लगभग यहाँ से। और ये डिपेंड करेगा बैंगलोर में आप कहाँ रहते हैं, तो 530 से 550 किलोमीटर के बीच डिस्टेंस रहने वाला है। अप्रॉक्सीमेट टाइम दिखा रहा है गूगल हमें 10 hours 23 minutes या 11 घंटे लगभग। थोड़ा और रुक के जाएंगे तो ये 12 घंटे भी हो सकता है। तो बाय रोड आने के अलावा यहाँ के और जो ऑप्शंस रहेंगे वो है बाय ट्रेन एंड बाय एयरपोर्ट। बाय ट्रेन जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है मरकापुर, जो कि 85 किलोमीटर्स है। और कुछ और रेलवे स्टेशन भी हैं जो लगभग 180 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। तो वहाँ से आप बस लेनी पड़ेगी आपको। बस का किराया 400 से 500 रुपये रहेगा, डिपेंड करता है कौन से रेलवे स्टेशन से आप। तो मैं बात करूं बाय एयर की, बाय एयर आपका नियरेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद है, परंतु उसके अलावा एक और एयरपोर्ट है जिसका नाम है कर्नूल एयरपोर्ट, जो कि 180 किलोमीटर्स है। बट वहाँ से फ्लाइट कनेक्टिविटी कितनी है ये पता नहीं है, बट यस हैदराबाद से आप बिल्कुल आ सकते हैं। और हैदराबाद से फिर से आपको बाय कैब या बाय बस ट्रैवल करना होगा यहाँ के लिए। तो अब कुछ बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट जानकारी जो यहाँ आने से पहले आपको पता होनी चाहिए। ऑन द गो फॉरेस्ट एरिया मिलेगा साई सेलम से थोड़ा पहले आपको। वहाँ पे एंट्री 6 AM के बाद है और 6 PM तक है। तो इसका मतलब ये है अगर आप रुक रहे हैं या आपको अर्ली आना है तो आप 6 बजे के से पहले नहीं आ सकते। और एग्ज़िट करना है यहाँ पे, आप रुके हैं साई सेलम और रात में आपका मन कर रहा है कि रात में वापस चले जाते हैं, तो वो भी ऑप्शन नहीं रहेगा क्योंकि 6 PM के बाद एग्ज़िट भी अलाउड नहीं। अब आंध्रा में है मिर्च ही मिर्च, इसीलिए यहाँ के लोग इतनी मिर्च खाते हैं। यहाँ पे वीकेंड है, न्यू ईयर है, सोचा नहीं था कि इतना रश होगा। अब मेरे पीछे देख सकते हैं लोगों ने पार्क में ही नेट्स लगाए हैं, मॉस्किटो नेट्स, और वहीं सो रहे हैं। तो इससे पता लगता है कि कितना रश है। और जहाँ तक बात रही होटल्स की, ऐसे कुछ खास होटल्स नहीं है यहाँ पे। रात के बज रहे हैं 8:10 और बिल्कुल मेरे सामने भगवान जी है। ये एक चौक है, वन ऑफ द चौक्स, पता नहीं कितने सारे चौक है पता नहीं। वैसे इमेजेस ज़्यादा नहीं है इंटरनेट पे जो मुझे देखने को मिला, तो उसकी वजह से इतना पता नहीं चल पाया कि कितनी बड़ी जगह है ये। बट यहाँ आके लग रहा है कि ये काफ़ी बड़ी जगह है। और यहाँ पे जो बुकिंग सिस्टम है वो ऑनलाइन ही है और प्रेफरेबल भी वही रहेगा आपके लिए। तो ये नीचे मैं आप वेबसाइट दे रहा हूँ, यहाँ पे बुक कर लीजिए डोरमेट में। ए सी रूम्स अलग से भी है, वी वर लकी अपने को मिल गया अलग से रूम, बट उसके लिए बहुत घूमना पड़ा।
गाड़ी कहीं पार्क की और वहाँ से हमारे मित्र बिहाइंड द कैमरा, इनके पास बाइक थी तो बाइक पे हम घूमे और हमें एक बढ़िया सा स्टे मिल गया है। एसी रूम्स है, 1500 रुपये पर रूम, दिखा दूंगा। बट इतना आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि बहुत फैंसी रहेगा, कुछ भी वैसा कुछ भी नहीं है। सुबह का दर्शन टाइम 4:30 AM है वहाँ, उसके बाद 3:30 PM तक आप दर्शन कर सकते हैं। सो अर्ली करेंगे तो शायद अच्छा ही रहेगा। पूरा पीस लेना टेस्ट का। कितने का पीस है? 50 का। 50 का पीस? कितना बड़ा पीस? ये पूरा कट के दे दो एक पीस दे दो। 50 का एक पीस कट कर दो, सब खा लेंगे। पतला है तो टेस्ट करा, चीनी डाल दे, अच्छा टेस्ट आ। लो जी रामफल खाएंगे, चेक करेंगे कैसा है, राम जी क्या खाया करते थे। राम जी ये खा के जिंदा रहते थे, तो तुम भी रह पाओगी क्या? कैसा है? तीर्थ स्थल है, खाने के ऑप्शंस की कमी नहीं रहेगी। मंदिर के बिल्कुल 100 या 200 मीटर दूर एक फूड कोर्ट है, गणेश फूड कोर्ट करके, दिखा दीजिए महाराज। तो नाम ही फूड कोर्ट है तो ऑप्शन ज़्यादा रहने चाहिए खाने के। बाकी स्ट्रीट फूड आपको भाजी, पराठा, मसाला डोसा वो सब मिलेगा आपको, बहुत लंबी लंबी स्ट्रीट्स हैं। पराठों की ढेर, मंदिर से कुछ दूरी पे स्ट्रीट है, आपको खाने के बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं यहाँ पे। भाजी, पराठे, पूरी, यूनियन बैंक सामने, लैंडमार्क HDFC। एक चांद जो चांदनी जैसी रोशनी फैला, लाजवाब, बहुत ज़्यादा अच्छा ही लग रहा है। बिकॉज सबसे बढ़िया बात है यहाँ सब चीज़ गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, बिकॉज यहाँ पे सारे सराय और सारे धर्मशाला काइंड ऑफ थिंग। ऐसा लूट जैसा कुछ नहीं लग रहा है अभी तक के, हाँ फालतू कोई पैसा मांग रहा है या ओवर प्राइस्ड है चीज़ें, ऐसा कुछ लगा नहीं है। सो विच इज़ नाइस। एसी रूम में 300 का एंड मोस्ट आराम, मस्त है एकदम। तो ये रामफल जो बेच रहे हैं ये 50-50 रुपये का इतना पतला पीस, इस तरह से तो ये इतना बड़ा खंबा भाई का, ये तो कोई करोड़ रुपए का हो जाएगा यार, 50-50 रुपये। भाई वो आंटी का सुना था, हमें ये इसने लगा के दी चीनी, वो पीछे बता रही कि वो नमक लगा के दे रहा है। तो अब हम मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग में हैं, यहाँ पे ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं उनको मैं कवर करने वाला हूँ। पहला, आपको जो गाड़ी पार्क करने की जगह है वो लगभग मंदिर से 1 किलोमीटर दूरी पे है, पर अगर आपने स्टे किया है या पहले दिन आ गए हैं तो आप ये रिकमेंडेड यही रहेगा कि आप अपने होटल या जो भी आपकी जगह है जहाँ आपने स्टे किया है सराएँ, वहीं पर गाड़ी पार्क कीजिए और वॉक कीजिए। पूरा जो एरिया है, ये जो होटल सराएँ, डोरमेट्री रूम्स या कोई भी आपकी रहने की सुविधा, 1 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। तो आप नंगे पाँव आइए। दूसरी चीज़ आपको जिसका ध्यान रखना है दर्शन के समय, वो है अपना फ़ोन कैरी नहीं करना है, ना कोई लेदर की आपके पास आइटम होनी चाहिए, तो उसको घर पे रखिए वरना आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। वहाँ पे भी कैबिन रूम्स हैं जहाँ पे आप रख सकते हैं इन चीज़ों को, बट इट्स बेटर कि यू कीप इट इन योर रूम। तीसरी चीज़, दर्शन की लाइन आपकी 3 तरह की है। फ्री लाइन है, 150 वाली है थोड़ा जल्दी दर्शन, और थोड़ा सबसे ज़्यादा दर्शन 300 रुपये। उसके अलावा डोनेशन क्यूज आपकी VIP लाइंस, उसका अमाउंट आप पे डिपेंड करता है, 3,000, 5,000, लाख, 1.5 लाख, आप पे पूरी तरह से निर्भर रहेगा ये।
सुप्रभात मल्लिकार्जुन से आपको दर्शन करके आ गए हम। आप देख सकते हैं बिहाइंड द कैमरा गाय के भी ये लगे हुए त्रिशूल। दर्शन हो गए हैं, समय हो रहा है सुबह के 7:30। हम 5 बजे के करीब गए थे, 3 बजे वाला प्लान नहीं हुआ। 3 बजे भी जाते तो आप जल्दी फ्री हो जाते। तो हम 5 बजे के करीब लगभग गए और यहाँ पे लाइन तेज़ी तेज़ी से मूव हो रही थी आज। वैसे तो शायद रश रहता है बट आज जल्दी जल्दी से हो गया। जहाँ हम अभी खड़े हैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये पाताल गंगा का मेन एंट्री द्वार है, नीचे मेन एंट्री पाताल गंगा की, उसके बिल्कुल बाजू हम। ये एक आश्रम है, एक बार थोड़ा सा दिखा दो महाराज। तो ये एक आश्रम है, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं बट साथ साथ उनका खर्चा निकालने के लिए ये रूम्स भी देते हैं, एसी नॉन एसी दोनों हैं। और हमने 1500 रुपये में एसी मिल गया था, तो इतना लग्जरी कुछ नहीं है बट हाँ, क्योंकि यहाँ पे सब जगह आपको ऐसे ही मिलेगा। सदन मिलेंगे, डोरमेट्री मिलेगी, एसी रूम्स भी हैं बट दे आर नॉट दैट लग्जरी। बाजू में एक होटल है, इसका एग्जैक्ट नाम मालूम नहीं लग रहा है, तो साथ में बिल्कुल है होटल गंगा, दिखा सकते हैं। होटल गंगा के बैक साइड ये लेन है, फर्स्ट लेन, आप वहाँ पे रुक सकते हैं। और इसकी बुकिंग ऑनलाइन नहीं है, आपको यहाँ आके मिल सकता है, तो इट कैन बी योर वन ऑफ द ऑप्शंस। पंडित 360 जी चले जा रहे हैं, शंख बज गया है। इस तरह की 500 स्टेयर्स हैं जो आपको उतरनी पड़ेगी, तब जाके आपको ये नज़ारा मिलने वाला है ब्यूटीफुल सा। डुबकी लगाइए, फ्रेश हो जाइए यहाँ पे और फिर मंदिर दर्शन करने जाइए। हम मंदिर दर्शन करके आ गए, अब हम डुबकी लगाएंगे। नहीं 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 एनी फिसल के अलावा यहाँ पे कुछ मंदिर है आसपास या इम्पॉर्टेंट ज़रूरी के स्थल जो आपको घूमने चाहिए, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि आप नियरबाई ऑटो वाले से कांटेक्ट करें और वो 150 रुपीज़ पर हेड आपको सारी चीज़ें घुमा के वापस लेके आ जाएंगे, वरना आप अपनी गाड़ियों से भी जा सकते हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा एक ज़रूरी जो है वो है गणपति महाराज का टेम्पल। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे गणपति महाराज को साक्षी माना जाता है। अगर आप मल्लिकार्जुन आते हैं तो आपके दर्शन अधूरे हैं, अगर आप गणपति महाराज के जो मंदिर है ऑन द गो मिलेगा आपको ये, अगर आप आपने उसके दर्शन नहीं किए तो ज़रूर उसके दर्शन भी कीजिए। तो अगला जो टूरिस्ट स्पॉट जिसके बारे में बात करूंगा वो है साई सेलम डैम। कृष्णा नदी पे बना है, दयाल डिस्ट्रिक्ट में है, आंध्र प्रदेश में ये भी, और ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट कैपेसिटी वाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन माना जाता है। तो यहाँ पे टूरिस्ट रोड साइड गाड़ी का पार करते हैं और अपना एंजॉय करते हैं, साइट सीइंग करते हैं। सो यस, इट्स ऑल्सो मस्ट विजिट। आप इवनिंग में जा सकते हैं, हल्की हल्की ठंडी हवाएँ और एंजॉय कर सकते हैं। तो
दिस वॉज ऑल अबाउट मल्लिकार्जुन साई सेलम. आपको अच्छा लगा होगा होपफुली ये वीडियो. सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू हैव एनी थाट्स प्लीज़ डू कमेंट इन द वीडियो. सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे हैप्पी.